कोई दुल्हा की फूफियां को लाओ, उनकी छोटी चाची को बुलाओ। देर होती है जलगांव वारी, मेरे बच्चे के आती है मेहंदी। मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक ना हो। नेग ले जाओ बानों की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवा शब्बर की रो कर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। जाके कह दो ये शाहे जमन से, कोई सुगरा को लाए वतन से। जाके कह दो ये शाहे जमन से, कोई सुगरा को लाए वतन से। जाए अकबर मंगाए सवारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। सुनती हो फातिमा की खुजादे, घर में दो भाइयों की है शादी। आज जागी है किस्मत तुम्हारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। देवा शब्बर की रो कर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। जाके शेरे खुदा के नवासे, कह दे दुल्हा के छोटे चचा से, घर में शादी की रस्म है जारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक ना हो। नेग ले जाओ बानों की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवा शब्बर की रो कर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाली मोहम्मद।
सलावात मोहम्मद अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जागे हुए फितनों को सुलाने चले आओ, जागे हुए फितनों को सुलाने चले आओ। अब बीत गए कितने जमाने चले आओ, जागे हुए फितनों को सुलाने चले आओ। गाजी कलम आपके लश्कर का निशान है, गाजी कलम आपके लश्कर का निशान है। काबे पे से मौला सजाने चले आओ। अब बीत गए कितने जमाने चले आओ। सलावात मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी, कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। शह को एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी। हाय कब्र असगर बनाने में बहुत देर लगी। शहने घर लाश को जल्दी से उठाया, शहने घर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन लाश अकबर की उठाने में बहुत देर लगी। हाय कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। टुकड़े चुनते
के कहा मौला ने टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने खारे अफसोस के आने में बहुत देर लगी है कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। चंद सतरे थी मगर लाश अली अकबर चंद सतरे थी मगर लाश अली अकबर पर शह को खत पढ़े के सुनाने में बहुत देर लगी। गर्म रेती से बदन धांप दिया शहर ने मगर गर्म रेती से बदन धांप दिया शहर चेहरा असगर का छुपाने में बहुत देर लगी है कब्र असगर की बनाने में बहुत देर गठड़ी जब लाशाए कासिम की खुली खैमे में गठड़ी जब लाशाए कासिम की खुली खैमे में शह को तरतीब बनाने में बहुत देर लगी खै कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। इस कदर प्यास से सूखा था गुलुए कदर प्यास से सूखा था गुलुए शबीर शिमर को तेग चलाने में
बहुत देर लगी, हाय कब्र सहर की बनाने में बहुत देर लगी। कासिम जो गिरे घोड़े से था मौत का पहरा, कासिम जो गिरे घोड़े से था मौत का पहरा, था खून में डूबा हुआ वो चांद सा चेहरा, छलनी था बदन तीरों से हर जख्म था गहरा, खून सर से बहा बन गया एक लड़ियों का सहरा। अरे इस तरह लरजता हुआ लाशा नहीं देखा, इस शान का कोई कभी दूल्हा नहीं देखा, हर जोड़ था टूटा हुआ हर बंद जुदा था, बाजू है ये वो जिस पर के तावीज बंधा था, अरे कुचला हुआ सीना था लहू सर से बहा था, इस भूल से बच्चे पे अजब जुल्म हुआ था, ये वजन था टापों का वही टूट गई थी, सब पसलियां सीने में कहीं टूट गई थी, मैदान में मदद के लिए चिल्लाते थे कासिम, जाते थे इधर और उधर आते थे कासिम, अरे दम अटका था और चैन नहीं पाते थे कासिम, लगती थी जो टापे तो तड़प जाते थे कासिम, अरे घोड़ों से कुचल जाने की सहमत न दिखाए, अल्लाह किसी को ये मुसीबत ना दिखाए, शह खा पे भाई का पिसर ढूंढ रहे हैं, मैदान में वो लाशा है किधर ढूंढ रहे हैं, अरे आंखों में अंधेरा है मगर ढूंढ रहे हैं, फिर भाई का हर लखते जिगर ढूंढ रहे हैं, अरे देवरा के वहीं गिरते हैं कश आता है शह को, जब जिस्म का टुकड़ा कोई मिल जाता है शह को, शबीर ने जिसको कभी गोदी में सुलाया, हाथों को कभी चूमा कभी सीने से लगाया, अरे तकदीर ने ये आज अजब वक्त दिखाया, लाशा उसी बच्चे का है चादर में उठाया, अरे थामे हुए कोने हंसने खस्ता जिगर है, आजा की ये गठड़ी नहीं बेवा का पेसर है,
सह लेते हैं कुछ दर्द बताए नहीं जाते। अरे लाशे कभी हिस्सों में उठाए नहीं जाते। घर शाह हरदा अपनी बिछाए नहीं जाते। टुकड़े कभी कासिम के उठाए नहीं जाते। अरे चादर को जो थामे हुए आबास खड़े हैं, अकबर भी सहारे के लिए पास खड़े हैं। क्या हाल है लाशे का बताया नहीं जाता। शबीर से सदमा ये उठाया नहीं जाता। अरे गहरा है बहुत जख्म छुपाया नहीं जाता। खैमे की तरफ बढ़ते हैं जाया नहीं जाता। अरे इस गम का कहां बार उठा पाएगी बेवा, जब लाशे पे सर देखेगी मर जाएगी बेवा। दिल अपना संभाला कभी चादर को संभाला, खैमे की तरफ चलने लगे सैयद वाला। अरे तारीख हुआ जाता था आंखों का उजाला, चादर में बंधी लाश को जब सामने डाला। अरे फरवाने ये पूछा के कहां लाल मेरा है, दिल हिलता है बतलाइए इस गठड़ी में क्या है। अरे गठड़ी जो खुली हश्र बपा हो गया हर सू, टुकड़े था बदन लाश का और खूं भर गए सू। अरे टापों के निशान सीने में और आंख में आंसू, कहने लगा आहिस्ता से जहरा का वो महरू। ये देखिए जो एक तने सदपाश है भाभी, पहचानिए कासिम की यही लाश है भाभी। माँ गिर गई ये देख के तेवरा तिवरा के जमीन पर। महशर से ही पहले था वहां खैमे में महशर। अरे फरवा को संभाले रही खुद ज़ैनब मुज़्तर, शबीर की आंखों में कमर फिर गया मंजर। अरे लर्ज़िश थी हर एक टुकड़े में कुचला हुआ तन था, शाबर का कलेजा था के कासिम का बदन था। शाबर का कलेजा था के कासिम का बदन था। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल فاتحہ शहने कहा पानी जो पाना ज़ैना
कृष्ण की भक्ति तुम भूल न जाना जनाब रहम खाकर कोई बेरहम अगर पानी दे रहम खाकर कोई बेरहम अगर पानी दे पहले तुम मेरी सकीना को पिलाना जैनब मुझे जख्मी जो रंग में खास में गुल पैरान हुआ पैदा शहाना जोड़े से रंगे कफन हुआ बागे जिना रसूल को बैतुल हसन हुआ और फौजे की निशान और फौजे की निशान हर एक हसन हुआ उल्था के राउंड डाला है लश्कर के बाग को आगाजियो बुझा दो हसन के चिराग को घबरा गए ये सुन के सदा सरवर अनाम अब्बा से नामवर से यूज दम किया कलाम लो भाई जंग हो चुकी किस्सा हुआ तमाम आया सुए यतीमे आया सुए यतीमे हसन मौत का बयान हम शक्ले मुस्तफा को बुला लो पुकार के मांगो दुआ सरों से मांगो दुआ सरों से अमामे उतार के ये कहके क़िबला रूहे सुल्ताने कायनात दरगाहे किबरिया में दुआ की उठा के हाथ ऐ खालिक़े ज़मीन वो ज़मा रब्बे पाक ज़ात इन ज़ालिमों के हाथ से इन ज़ालिमों के हाथ से कासिम को दे निजात तू हाफिज़े जहां है करीमुर रहीम है या रब बचा उसे के या रब बचा उसे के बच्चा यतीम है निकला ये सबके मुंह से कि है हसन के लाल ज़ैनब ने उठ के खोल दिए अपने सर के बाल सीने में दहल गया दिल बानो खुशकसाल चिल्लाई माँ गुजर गया चिल्लाई माँ गुजर गया क्या मेरा नौनिहाल आबिद का तब से गर्म बदन सर्द हो गया कासिम के छोटे भाई का कासिम के छोटे भाई का मुंह जर्द हो गया चिल्लाई रोके जौजे अब्बा से नौजवान या रब है तो यतीम हसन का निगाहबान सुनकर ये गुल दुल्हन के भी आंसू हुए रवा लेकर बला ऐसा लेकर बला ऐसा पुकारी के मेरी जान खालिक करेगा रहम न आबो बुका करो दुल्हा पे आ बनी है दुल्हा पे आ बनी है सदके दुआ करो शहरे के फूल अभी अभी सूखे नहीं है आप
जो आ गया पयाम रंदा पे का या इला ये उख्द था के मौती मातम था या के बा बारिश के होगा अर्थ में बारिश के होगा अर्थ में क्यों कर निबार उठो जहां से दिल भरे शब्बीर के सामने औरत की मौत खूब है औरत की मौत खूब है शोहर के सामने मसरूफ यहाँ दुआ में थे सब और वहां पे आखर खिरा सिपाह में वो चौदवी का माँ रोके थी फौज नैजों से और बर्चियों से तलवार चल रही थी अल्लाह की पनाह मुंह सुर्ख था खिले हुए थे जख्म सीने के बनकर लहू टपकते थे कतरे बसीने के खश में झुका फरस पे जो वो गैरत खमर मारा किसी ने फर्क पे तान कर बर्ची लगी जो शीश की टुकड़े हुआ जिगर गिरते थे अस्त से के कमर पर लगा तबर तारख की तेख खाके पुकारे इमाम को फरियाद या हुसैन बचा लो गुलाम को छपते जो शाह फौज पे चमका के जुल्फ़िकार बिजली गिरी यजीद के लश्कर पे एक बार इस गैज में यमी से जो आए सुए यसार भागे फिराए घोड़ों की बागों को सब सवार भागड़ में खून से रंग की जमीन लाल हो गई दुल्हा की लाश घोड़ों से पामाल हो गई देखा इमाम ने के रगड़ते हैं एड़ियां सूखे हुए लबों पे है ऐटी हुई जबान दामाद से लिपट गए हजरत बसत फगां बेजा हुआ हुसैन के आगे वो नीम जान जब लाश उठाई शहने तो चूर उस्तखान थे सब चांद से बदन पे समो के निशान थे मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात खुशनूदी है इमाम ज़माना अलैहि सलाम बुलंद सलावात Allah 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 Allah
برای تاجیل ظهور امام زمان علیه السلام بلندتر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بعد اللهم صل على اللہ تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہر وبا ہر مصیبت ہر بیماری ہر پریشانی سے آپ تمام مومنین کو محفوظ فرمائے خصوصاً اس معمول کے حالات میں مومنین سب کے سب اور انتظامیہ والنٹیئر جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ قمر عابدی صاحب کی ٹیم اور وہاں احسن دہلی صاحب کی ٹیم جو پوری کی پوری سب لوگ کام کر رہے ہیں صداداری کے سلسلے میں اور جتنے بھی ادا خانے اس وقت صداداری کے سلسلے میں جو جو انتظام کر رہے ہیں مولا عموماً تو تمام مومنین کو مولا محفوظ رکھے اور خصوصیت کے ساتھ دعا کریں کہ یہ جو والنٹیئرز جو آگے بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہیں مولا ان تمام کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کو ہر وبا سے اور ہر مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے صلوات سب کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے پڑھیں ذرا اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے گا تاکہ میں بات کو ذرا آگے اللہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد دل پر جاؤں کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی اور بات کچھ ایسے ہوئی کہ محسوس ہوا کہ پوری طرح وعدے نہیں ہو سکی شاید یہ ہے کہ جب جنت میں لوگ رہیں گے ماشاءاللہ آپ تمام لوگ وہاں پہ ہوں گے تو وہاں جو طریقہ گفتگو ہوگا اس کے لیے قرآن نے سورہ واقعہ میں کہا ہے قیلا سلام سلام ایک دوسرے کو سلام کریں گے نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی ادھر ادھر کی باتیں ہی نہیں سلام ہی سلام میں گفتگو ہوا کرے تو میں نے یہ بات کی تو یقیناً جو سلام پڑھنے والے ہیں وہ تو خوش ہیں گے باقیوں کے لیے بھی دعوت ہے کہ سلام پڑھنا سیکھیں میں خود بھی بیچ میں آ رہا ہوں
क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि वहां तकरीर होगी, वहां सलाम पढ़ने की, सलाम की बात। अच्छा, ये बात की मैंने और बाद मुझे महसूस हुआ कि बात ऐसी ही बस जल्दी में हो गई, कुछ वजाहत नहीं हो सकी उसकी। दिल चाह रहा है कि जरा थोड़ा सा एक जुमला उसको मैं आपको देखिए, चार चीजें मैंने बयान की थी सलाम के मानी में। पहली चीज गजब, कहर, गैस, ऐब, नक्स, आफाते, आफात बलियात, इन तमाम से बचने की दुआ। कोई जब हम किसी को सलाम कहते हैं तो इसका मतलब है दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें कोई ऐब ना आने दे, अल्लाह तुम्हें कोई कमी ना आने दे, नक्स ना आने दे, अल्लाह तुम्हें तुम तक कोई आफत बला ना आने दे। ये दुआ देने का नाम है सलाम, एक माने। दूसरे मानी सलाम के सुलो, कोई नाराज है, किसी के साथ इख्तलाफ हो गया है और थोड़ी जरा डायलॉग हो गया है, बुरा एक दूसरे से दिल रंजीदा हो गए, अगर आगे आगे बढ़े सलाम करें, सलाम बमानी सुलह है। तीसरा सलाम बमानी दुआए रहमत है, अल्लाह तुम पे और रहमतें नाजिल करे। जो पढ़ रहे हो इससे बेहतर पढ़ो, जो कमा रहे हो इससे बेहतर कमाओ, जो खुशियां मना रहे हो इससे बेहतर खुशियां मनाओ। ये दुआ है एक रहमतों के लिए, तो उसमें इजाफा हो। और चौथी बात सलाम नाम है परवरदिगार का। ये चार बातें बताई थी। अब जरा एक लम्हे के लिए, मैं बात की वजाहत के लिए चाहता हूँ कि आप एक लम्हे के लिए मेरे साथ चलें और हम एक मरतबा जन्नत में चले जाए। अब मुझे बताइए, जन्नत में अगर आपको किसी को कुछ कहना है, पहली बात तो ये है कि वहां होंगे सारे मोमिन, और मोमिन वो उस दर्जे पे आ चुके होंगे कि अब उनमें लड़ाई नहीं होगी। जब लड़ाई नहीं तो सुलह भी नहीं, इसलिए सुलह वाला मानी वहां नहीं इस्तेमाल हो सकता। अच्छा, ना वहां किसी में ऐब आ सकता है, ना नक्स आ सकता है, ना वहां आफात बलियात आती, इसलिए उनसे बचने की दुआ भी नहीं हो सकती। मामला ऐसा है कि जन्नत है ही रहमत ही रहमत। जन्नत ऐसे रहमत है जैसे समंदर पानी ही पानी है। अब मछली भला दूसरी मछली को यह दुआ दे सकती है कि अल्लाह तुम्हें और पानी अता करे? जो रह ही रहमतों में रहा हो उसके लिए मजीद दुआए रहमत मानी नहीं रखती। फकत एक मानी बचता है सलाम का, और वो है नाम परवरदिगार का। यानी जब जन्नत वाले अपने दूसरे मोमिन को सलाम करेंगे तो वो सिर्फ एक मानी के तहत बनता है कि एक दूसरे को परवरदिगार के नाम से खुश करेंगे, अल्लाह के नाम से खुश करेंगे। अब ये बात मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है, मैं जिन मोमिनीन में बैठा हूं तफसील से इस बात को जानते हैं कि हमारे मासूम इमाम छठे इमाम ने फरमाया कि नहनो अस्माउल्लाहिल हुस्ना, अल्लाह के हसीन नाम हम अहले बैत हैं, हमारा जिक्र करो तो समझो अल्लाह के हसीन नामों का जिक्र हो रहा है। चौथा मानी बचता अल्लाह का इस्म। अल्लाह का इस्म है सलाम, और अल्लाह के बेहतरीन इस्म है ये अहले बैत। तो जब एक दूसरे को अल्लाह के इस्म से याद करने का कहा जा रहा है तो इसका मतलब है वहां अहले बैत का जिक्र किया जा रहा है, और अहले बैत के जिक्र का एक बेहतरीन अंदाज सलाम पढ़ना भी हुआ करता है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ दिया बेहतरीन जिक्र का तरीका है अहले बैत के फजाइल के। मर्सिया भी है लेकिन मर्सिया मखसूस है मसाइब के हवाले से। थोड़ी सी बात और कर दूं इसी तरह एक जुमला कह दो, कहेगा ये भी बस ऐसे ही बात कर ली, चले और थोड़ी सी बात की।
आप और हम जब सलाम करते हैं तो दुआ के मानों में लेते हैं। और मैंने कल अर्ज किया था कि दरूद भी दुआ है, सलाम भी दुआ है। दुनिया में हम अहले बैत के लिए मांगते हैं ताकि उनकी वजह से हम तक आए, ये बात हो चुकी कल। ये तो है हमारे लिए, मखलूक के लिए। मसला ये है कि अल्लाह सलाम भी भेजता है, दरूद भी भेजता है। मखलूक का सलाम और दरूद किसी और तरह का होगा कि वो सवाल करते हैं परवरदिगार से। सोचने का अमर यह है कि अल्लाह सलाम कैसे करता है। दरूद पे गुफ्तगु कहीं हुई है पहले, इस वक्त नहीं कर रहा, कि अल्लाह दरूद कैसे भेजता, अल्लाह सलाम कैसे भेजता, अल्लाह का सलाम ढूंढे कहीं पे जो अहले बैत पे आया। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह तो एक हदीस किसा की तिलावत रोजाना होती है, और उस तिलावत में अल्लाह का एक सलाम है जो जिब्रील ने आके पहुंचाया है। मैंने कहा और देखना में तफसील आ गई, लेकिन इस हवाले से शायद पहले कभी मैंने गुफ्तगू नहीं की। आप लोग यकीनन बहुत समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, क़िबला अंसार साहब, क़िबला तशरीफ़ फरमाए अल्लामा साहब, और आप तमाम भी इल्म के माशाल्लाह हमारी महफिलों में जाहिल तो होता ही नहीं है। दरवाजा अहले बैत ऐसी जगह है कि यहाँ जो आ जाता है उसका आना ही इस बात की दलील है कि जहल दूर हो चुका। जब जिब्रील आए ना इजाजत लेके अल्लाह से, तो आके सबसे पहले क्या कहा, इजाजत मांगी जनाब रसूल खुदा से। और एक इजाजत मांगने से पहले, अभी इजाजत भी नहीं मांगी, अभी आके रुके और एक बात कही, अल अली उल आला। मैं आहिस्ता से पढ़ूंगा ताकि बात जो जहनों में आपकी तमाम चीजें मौजूद हैं अच्छी तरह रिफ्रेश भी हो जाएं और मानी भी जहन में बैठ जाए। अल अली उल आला, एक अली आपके साथ चादर में है, लेकिन ये फकत अली है, एक अर्श वाला है जो अल अली उल आला है, जो इस अली का भी अली है। अल अली उल आला, वो अली उल आला जो है, युकरेक सलाम, वो आपके लिए सलाम भेज रहा है, सलाम पढ़ रहा। तहियत वल इकराम, तहियत बमानी ग्रीटिंग्स, इकराम हाईली रिस्पेक्टेड। जो सलाम भेज रहा है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं भेज रहा है, बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से भेज रहा है। और आगे उस सलाम का जिक्र है, अब आगे जिब्रील वो सलाम सुना रहे हैं जो अल्लाह ने भेजा है। मैंने कल कहा ना, तो यहां से मैं निकला, मुझे लगा जैसे लोगों ने उसको ऐसे समझा जैसे शायद ये इशरत साहब ने ना ऐसे ही हमें खुश करने के लिए जुमला कह दिया है कि भला जन्नत में ये सलाम पढ़े जाएंगे, अल्लाह का सलाम सुन ले, फिर आपकी मर्जी चाहे जैसा मर्जी सलाम करते रहिएगा अहले बैत की बारगाह। अल्लाह का सलाम सुन ले, जिब्रील सुना रहे हैं, हदीस किसा में रोज सुनते हैं, क्या सलाम पढ़ा, अब अल्लाह का सलाम बयान किया कि अल्लाह ये सलाम भेज रहा है, ये सलाम की करात कर रहा है, यू कर रहे हो का सलाम, अल्लाह ये पढ़ रहा है आपके सलाम में, वह इज्जती व जलाली। अल्लाह जब आपका सलाम भेज रहा है तो सलाम बाद में भेज रहा है, अपनी इज्जत और जलालत की कसमें पहले खा रहा है। पढ़ने वाले बहुत से हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि टाइमिंग कुछ इस तरह से है कि वो मौका नहीं मिल रहा, लेकिन यकीनन मौला नियतें बेहतर जानते हैं, जो जिस नियत से आया बैठा है हमारे यहाँ मेरा ईमान है एक एक दो दो शेर अगर कभी मौका पढ़िए भी, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इस तरह का सिलसिला हो जाए कि अगले दो दिन में हम चाहे थोड़ा सा टाइम इसमें इजाफा कर लें, लेकिन पढ़ने वाले हिस्सा मिलाएं। और एक ये भी कोशिश करें, हर पढ़ने वाले से मेरी दरख्वास्त होती है कि ये जरूरी नहीं होता कि मतला से शुरू करें तो मक्ता तक पढ़ा जाए, उसे अपना हिस्सा मिलाया जाए थोड़ा सा, और उसके बाद
आगे किसी को मौका दे दिया जाए। अलबत्ता मरसिया वगैरह उनकी मजबूरी होती है, वो मुकम्मल पढ़ा जाता है। मौला आप तमाम सलाम पढ़ने वालों को सलामत रखे, हमारे मैं इसलिए भी दुआएं देता हूँ और बड़ी बाबा दे बुलंद दुआएं देता हूँ कि ताल्लुकात सलाम पढ़ने वालों से अच्छे रहें, जरूरत पड़ सकती है। अल्लाह के सलाम सुनवा दो ना आपको, ताकि यकीन आ जाए कि सलाम जो होता है वो सिर्फ ये अस्सलाम वालेकुम नहीं होता। सलाम का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। अल्लाह जो सलाम पढ़ रहा है वो सुन लो, हर रोज पढ़ते हो, यू करे हो, अल्लाह ये करार कर रहा है आपके लिए, पढ़ रहा है क्या, वह इज्जती व जलाली। भाई पहला ही जुमला अजीब है, मुझे अपनी इज्जत की कसम। सारी इज्जतों और मुमलिकतों का मालिक वही अल्लाह है, कायनात की सारी इज्जतें उसी की वजह से है और वो अपनी इज्जत की कसम खा रहा, वो अपने जलाल की कसम खा रहा। कसमें तो वो खाता है, कसमें तो कुरान में खाई है, लेकिन जब भी खाई है मखलूक की खाई है। वत्तीन व जैतून व वालिदिन व मा वलद वल असर, जितनी भी कसमें उठाई लीजिए, लाउक्सिमो बेहाजर बलद वालिदिन व मा वलद, ये जो कसमें खा रहा है कुरान में, ये जो घोड़े के सुमो की कसमें खा रहा है, दौड़ते हुए घोड़ों के कदमों की कसमें खा रहा है, ये सब उसकी मखलूक है जिसकी कसमें खा रहा है कुरान। लेकिन आज अल्लाह कुरान वाली कसमें नहीं खा रहा है, आज अल्लाह अपनी जात की कसमें खा रहा है और उन चीजों की कसमें खा रहा है जिसकी वजह से उस अल्लाह की अजमत को पहचानता है बंदा। पालने वाले इतनी बड़ी कसमें कुरान में तो नहीं खाई, कहा कुरान शरीयत का तारुफ था, आज शरीयत का नहीं बानियान शरीयत का तारुफ हो रहा है। हदीस तो हर किसी को याद है ना, फरमाया था कि मन काला बैतन फी शान ना, जिसने हमारी मदह में हमारी शान में एक शेर कहा, अल्लाह जन्नत में उसको एक घर अता करता है। क्या बात थी बोला, आज जरा इसको इस पहलू से भी सुने और समझे, सलाम की अहमियत को समझे। यानी जब कोई अदा खाना बनाता है, जब कोई प्रोग्राम बनाता है, तो वो ये कोशिश करता है कि उस अदा खाने के साथ एक मौलाना का घर बन जाए आमतौर पे, या उसके लिए कुछ इंतजाम हो कि भाई उसका भी तो इंतजाम करो कि जो आएगा यहाँ पर नमाज पढ़ाएगा, कुरान शरीफ पढ़ाएगा, हमारी तमाम इबादात का सिलसिला चलाएगा, उसके लिए भी कुछ इंतजाम करो। वो इंतजाम करता है इसलिए कि उसे पता है कि आवाम तो आ जाएगी, वो आवाम नहीं है, वो खास है। पता चला जन्नत में सलाम पढ़ने वालों के लिए इतनी जरूरत है कि पहले से इंतजाम कर दिया गया कि जो एक शेर भी कहता जाएगा जन्नत में घर मिलता चला जाएगा। अब जो जन्नत में जाएंगे उन्हें सलाम पढ़ने के लिए बहुत से लोग वहीं पर मिलते चले जाएंगे। क्या हो रहा है, ये सलाम पढ़ा जा रहा है। फकत और फकत एक मकसद के लिए है ये कायनात,
अहले बैत तुम्हारी मोहब्बत में। अल्लाह ने जब अहले बैत को सलाम कहा तो अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा है। अब समझे आप, ये दुनिया में ही अल्लाह ने तरीका रखा लेकिन हर किसी के लिए नहीं, मखसूस लोगों के लिए रखा। क्यों? इसलिए कि दुनिया में सीख लें कि इन्हीं से जन्नत में भी वास्ता पड़ना है। जो माहौल यहां बनाया जा रहा है वही जन्नत में भी रहना चाहिए। सलाम वहां पर पढ़े जाएंगे, सलाम वहां पढ़े जाएंगे, वहां मोमिनीन सलाम पढ़ पढ़ के एक दूसरे को खुश करेंगे, महसूस करेंगे। वहां का सलाम यही होगा कि उस सलाम के याद करते हुए अस्माउल्लाहिल हुस्ना की तौसीफ और तारीफ बयान की जाए। सलावात जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे पढ़ दीजिएगा। ये सलाम है माशाल्लाह। तो ये इसको मामूली न समझिए, इसे मामूली न जानिए। मोमिन आज भी, मैंने ये देखा है, मुझे यहाँ का भी वो माहौल उस तरह से मैं नहीं देख सका, अभी मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं, लेकिन मैंने पाकिस्तान में जहां मोमिन मिल के बैठते थे ना, और एक मशहूर हदीस ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, अली के जिक्र से अपनी महफिलों को, मजलिसों को जीनत दो। हाँ, अब आइए, जब सलाम ही अहले बैत के जिक्र वाला होगा तो फिर जो महफिल जमेगी उस महफिल में अहले बैत के जिक्र के सिवा हो क्या रहा होगा? इसका मतलब है कि जो अहले जन्नत होंगे वो किसी कमतर जिक्र की तरफ मायल नहीं होंगे, वो बेहतरीन जिक्र कर रहे होंगे, यानी अहले बैत पे सलाम पढ़े जा रहे हो। बेहतरीन सलाम है। जब कोई किसी को सलाम कहता है दिल में एक थोड़ी सी खुनकी सी ठंडक सी पड़ती है। अगर कोई निहायत इज्जत के साथ किसी को सलाम कहे, पड़ती है ना, कई लोग शक में है शायद। कोई कोई सलाम करना भी ऐसा होता है कि लगता है सलाम किया नहीं है, किसी ने फेंका है हमारी तरफ। सलाम करने वाले पे भी शायद डिपेंड करता है। सलाम का एक तहजीब है, एक तरीका है, अदब से किया जाए, ऐसे किया जाए कि जो दूसरे के दिल की ठंडक बने, महज कोई ऐसी जिम्मेदारी ना हो। बाज़ोकत महज किसी को पुकारने के लिए शायद सलाम करते हैं, ऐसे करते हैं कि वो दूसरा परेशान हो जाए कि क्या किया इसने। लेकिन सलाम का मकसद इज्जत के साथ सलाम कर, सलाम को अगर आप मानी समझ कर कर रहे हैं तो उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे को स्केर्ड कर रहे हो, आप उसे घबरा रहे हो, नहीं, बल्कि उसके लिए आप उसके अच्छे तरीके से सलाम करते। मोमिन के दिल में खून की पैदा होती, ठंडक पैदा होती। इसलिए ये भी है कि जब सलाम किया जाए तो मैं सलाम नहीं है कि लफ्जों में सलाम हो और चेहरे पे अकड़ा हुआ चेहरा हो, मुस्कुराते हुए चेहरे से सलाम, ताकि उस सलाम के साथ वो मुस्कुराहट उस सलाम को हकीकी सलाम की सूरत में आगे बढ़ाए और मोमिन अपने दिल में ठंडक महसूस करे। भाई अब अगले जुमले जो है ना, अगला जुमला जो कह रहा हूं वो मैंने नहीं कहना है, वो आपने मुझे समझ के बताना है कि मैं सही कह रहा हूं या आज तक का मेरा मुशाहिदा गलत है। जब हम सलाम करते हैं ना, खास तौर पे अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने मिलने वाले को, प्यार करने वाले को, वो खुश होकर जवाब में हमें लेकर सलाम कहता है, हम उसको जब सलाम कहते हैं हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो उस मुस्कुराहट को देख के और खुश हो जाता है। ये है एक खुशी, लेकिन इस खुशी को कई हजार से जरब दो ना तो वो खुशी होती है जब मोमिन के सामने कोई अहले बैत पे सलाम पढ़ता है, बनकबत पढ़ता है, और जो मोमिन के दिल को उस वक्त खुशी हो रही होती है। Hey!
खुशी कुछ और होती है। यानी पता चला कि सलाम की खुशी जरूर है, इसलिए कि नाम है परवरदिगार का, लेकिन फकत एक नाम है, उसके साथ सिफात बयान नहीं हो रही। लेकिन जब अहले बैत का जिक्र होता है फजाइल के मानों में, सलाम के मानों में, किसी भी अंदाज में, तो जब दिल के अगर मसाइब का भी कोई शेर पढ़ रहा है ना, तो दिल में गम जरूर होता है, लेकिन अहले बैत के लिए होता है, उस मोमिन के लिए दिल में एक और तरह की मोहब्बत उजागर हो रही है। सलाम की तो याद रखिए, ये जो सलाम हमारे यहां पढ़े जाते हैं, जो हमारे शुआरा लिखते हैं, इसे अदना न जानिए, ये वो अजीम सलाम है कि ये दुनिया के सलाम खत्म हो जाएंगे, फकत यही सलाम है जो जन्नत में जारी रहेंगे। सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद के बलदास। एक मतलब इससे बेहतर अंदाज में सलावात पढ़िए। मुख्तसर वक्त में एक जुमला दिल चाह रहा है कि मैं बजाय आज मजीद फलसफे की तरफ जाने के, एक जुमला ज़ियारत जामिया से पढ़ बिस्मिल्लाह। इसकी तफसीर शरा नहीं अभी कर सकूंगा, थोड़ा सा जुमला सिर्फ बयान करूंगा, इसलिए कि एक नशिस्त में बहुत सी बातें हो भी जाए ना तो वो बह जाती हैं। पहले तरह दिलों में ये जगह दीजिए, ये मेरा जुमला नहीं है, ये सुन लीजिए, ये ज़ियारत जामिया आपके और मेरे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने। इमाम फरमा रहे, इमाम के जुमले फरमा रहे कि देखो जब करबला नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, दिल में उसको तुम खातिब करो, और सिर्फ एक कब्र नहीं, दिल में तो तुम्हारे सबके सब मासूम मौजूद हैं, किसी को भी मुखातिब करो तो इस तरह मुखातिब करो, कैसे, एक जुमला सुनिए उसमें से, सिर्फ मैंने कहा 60 बातें, उनमें से एक जुमला सुनिए। इयाबु इलैकुम, इयाबुल खल्का इलैकुम, ये जो मखलूक है ना, इस सब को, सारी मखलूक को आपकी तरफ पलटना है। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। चले इससे अगला जुमला कहता हूं, शायद फिर बात कुछ थोड़ी सी वाज़े हो जाए। वह हिसाबहुम अलैकुम, और इस मखलूक का हिसाब किसी और ने नहीं लेना, आपने लेना है। ये मासूम फरमा रहे कि जब मासूम की तरफ रुख करो और सलाम पढ़ो तो ये जुमले कहो। याबुल खल्क इलैकुम, ये जो खल्क है, मखलूक है, इसने आपकी तरफ पलटना है। ये जो आज जुल्म करने पे तुले हैं, देर नहीं है जब इन सबको आपके सामने पेश होना है। मैं नहीं पढ़ सकूंगा ज्यादा, बस एक जुमला सुन लीजिए, ज्यादा कोई तफसील बयान करना एक नशिस्त में मुमकिन नहीं है, बस इतना सुन लीजिए, ये हमारा अकीदा नहीं, शियों के अकीदे पे गुफ्तगू नहीं करता, एक गैर शिया आलिम की गुफ्तगू कर रहा हूं, जो इमाम है अपने फिरके का। उसने 4 मिसरे लिखे और 4 मिसरों में उसने एक जुमला इस्तेमाल किया, और वो जुमला ये था कि अली कौन है, का अली युन हुब्बहु जुन्ना, अली वो है जिसकी मोहब्बत हो तो बस वो ढाल ही ढाल है, मोहब्बत हो हकीकी दिल में फिर दुनिया से ना घबराए। अली युन हुब्बहु जुन्ना, जुन्ना मतलब ढाल है। और अगला मिसरा, अगला मिसरा, अगर ये मिसरा समझ में आ जाए
तो मौला के कौल पे थोड़ा सफर हो सकता है। कहा कसीमुन नारे वल जन्ना, जन्नत और दोजख को किसी और ने तकसीम नहीं करना है, फकत उसी ने करना है जो अल्लाह के घर में आया है। भाई बहुत तवज्जो चाहता हूं, बस नहीं पढ़ता, अगले दो मिसरे नहीं पढ़ता, इसी एक मिसरे को जहन में रख लीजिए। ये कसीमुन नारे वल जन्ना कौन कह रहे हैं? इमाम शाफई कह रहे हैं। भाई शियों के अकीदे पे गुफ्तगू नहीं है अभी, शियों के अकीदे पे गुफ्तगू नहीं है। अपने इमाम की बात तक पहुंचने से पहले जो इस दरवाजे पे सही तरह आ नहीं सके उन्हें तो देखो, जिन्होंने दहलीज पे आके नहीं पहचाना, दूर से देखा है उन्हें तो देखो, वो क्या कह रहे हैं? कसीमुन नारे वल जन्ना, जन्नत और दोजख की तकसीम और क्या है ये? इसी का नाम तो हिसाब किताब हुआ करता है। जन्नत और दोजख की तकसीम करने वाला मेरा मौला अली है। नहीं, वो वहां पे आमाल को पहले वजन किया जाएगा, फिर तोल तोल के देखा जाएगा, किसी के थोड़े होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, हमें इतराज नहीं है। इसलिए कि ये बातें उन्होंने की जिनको आले मोहम्मद के दरवाजे का पैगाम पूरा मिला ही नहीं, या शायद उन्होंने जान के नहीं कबूल किया, वरना उन्हें ये बात समझ में आ जाती कि जिस मीजान की बात कर रहे हैं उसके लिए रसूल खुदा ने कहा था, या अली अंत मीजानुल आमाल, ऐ अली आमाल की मीजान कोई और नहीं है, तू खुद है, तेरी मोहब्बत इतनी बड़ी मीजान है कि वो बता देती है वजन किसके पास मौजूद है और खाली कौन चला रहा है। अब दो चीजें अलग अलग, थोड़ा सा एक जुमला कहता हूं, सलावत पढ़ने तरह मिलकर एक मतलब कुछ हाल अगर कोई अंदर आना चाहता है तो शायद एक आदमी की जगह हो सके, इससे ज्यादा की नहीं होगी। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बलंतर सलावत, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह, 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 सुभानअल्लाह। छोटी सी बात, ज्यादा नहीं, यही सीखा है कि उतनी ही करनी चाहिए जितनी आगे बढ़ जाए। बाकी बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी, सिलसिले जारी है, जिंदगी रही, लोगों को मौला सलामत रखे, सिलसिले आगे चलेंगे। कुरान की एक आयत है, वजअलना मिनल माए कुल शयइन हय्य, हमने हर शय को पानी से जिंदगी अता की। हर शय की जिंदगी का दारो मदार पानी में, क्यों कहा कुरान ने? इसलिए मुफस्सिरीन ने इस पे तफसीरें बयान की, बड़ी लंबी लंबी तफसीरें, कहा इसलिए कि कुछ नहीं था, सबसे पहले पानी था। वकाना अर्शहु अलल मा, बस उसका अर्श था और अर्श जो था वो पानी पे था। फिर हर चीज जो खल्क हुई वो पानी से हुई, हर चीज की खिलकत उस पानी से, जमीन बनी पानी से,
मौजें पैदा की अल्लाह ने, उन मौजों के अंदर वो जो क्रस्ट बने और झाग बना, वो जमा और जमीन बनी, एक पूरी उसकी तासीर है जो मासूम ने बयान फरमाई है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम। हर चीज को अल्लाह ने पानी से बनाया और आज भी अगर पानी हो तो जिंदगी है, पानी ना हो तो जिंदगी नहीं है। पानी आता है तो जिंदगी आ जाती है। ये क्या बात है, ये क्यों कहा जा रहा है? वजालना मिनल माए कुल्ल शयन हई, हमने हर शय को पानी से जिंदगी आता है। यानी पानी ना हो तो मौत, पानी मिल जाए तो जिंदगी। देखिए निजाम कुदरत यह है कि पानी आसमान से बरसता है, जमीन में जाता है, फिर वहीं जमीन से, नदियों से, नालों से होता हुआ समंदरों में पहुंचता है, और फिर वहां से फिर उड़ता है, और फिर पानी बनता है, फिर बरसता है। एक साइकिल है जो चल रहा है, एक साइकिल है जो चल रहा है। और कुरान कह रहा है कि ये पानी को गौर से देखते जाओ, सबको इसी से बनाया है, सबको इसी से बनाया है। सुभान अल्लाह। अरब मासूम की एक और हदीस, कुल्लु शयइन यरजउ इला असलिह, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, हर शय अपनी असल की जानिब पलट जाती है। यानी जो चीज भी दुनिया में है जब पानी उसके साथ मिलता है तो जिंदा हो जाती है, और जब पानी ना हो तो मुर्दा हो जाती है। जमीन मुर्दा कहलाती है अगर वहां पर बिल्कुल बंजर और बयाबान हो जाए पानी ना हो तो। जमीन पे पानी पड़ता है, अगर अच्छी जमीन होती है तो फूल निकलते हैं, बाग निकलते हैं, फल पैदा होते हैं। शोरीदा जमीन होती है तो उसमें कांटे पैदा होते हैं, झाड़ियां पैदा होती हैं। वाह वाह। लेकिन पानी का कुछ ना कुछ असर जरूर होता है जमीन पर, बेशक बेशक बाजी वाह। इसलिए कि पानी से जिंदगी मिली है, पानी जिंदगी अता करता है। अल्लाह याद रखिए, जो चीज जिंदगी अता करती है ना उसको लिया जाएगा तो जिंदगी है, बाजी वाह। वो निकल जाए तो जिंदगी नहीं है। आज भी यही उसूल है। वीडियोस में आप देखिए बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी जिसके अंदर वो सिर्फ पानी से बीज को उगा लेते हैं, सिर्फ पानी, मट्टी के बगैर। हम समझते हैं मट्टी से पैदा होती, नहीं पानी, लेकिन नमी जरूरी है उसके लिए, हर शय के लिए नमी, उस पानी की जरूरत है, पानी से जिंदगी बनती है। बहुत सी चीजें हैं बयान हो सकती हैं लेकिन मैं जल्दी जल्दी समेट रहा हूं। पानी जिंदगी देता है और हम सबको इस पानी की तलाश है कि पानी से जिंदगी मिल जाए। लेकिन कुरान कुछ और कह रहा है कि जब तुम्हारा रसूल तुम्हें पुकारे तो उसे जवाब दो, इसलिए कि वो तुम्हें जिंदगी देगा। तुम्हारा रसूल जब तुम्हें पुकारे तो उसे जवाब दो, इसलिए कि वो तुम्हें जिंदगी देगा। वाह वाह। क्या मतलब? जिंदगी वहां से मिलती है जो असल हुआ करती है। जिंदगी वो चीज देती है जो उस वक्त होती है जिसकी वजह से कुछ बना होता है। पता चला जिस्मों पे एहसान है इस जाहिरी पानी का, और रूहों पे एहसान है रूह खल्क हुई है मोहम्मद आले मोहम्मद की वजह से। पलट कर उन्हीं की तरफ जाना है। इयाबुल खल्को इलैकुम, इस तमाम मखलूक ने आपकी तरफ पलटना है, और वो वक्त होगा वह हिसाब हम अलैकुम, और इनका हिसाब आप लेंगे उस वक्त। सलावत अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। Bye.
पर बहुत जल्दी से वक्त गुजर गया। दो चीजें हैं, मौत और जिंदगी। पानी के लिए कहा गया, पूछा इमाम से कि मौला ये बताइए पानी का जायका क्या है। छठे इमाम से पूछा गया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। छठे इमाम से पूछा जा रहा है कि मौला ये बताइए पानी का क्या जायका है। मौला ने कहा, अब देखिए एक तस्वीर यह है, हमारे यहाँ कोई मीठा पानी होता है, कोई कैसा पानी होता है खारा, ये कुछ मिनरल्स का टेस्ट है इसमें, ओरिजिनल पानी का क्या टेस्ट है मौला से पूछा जा रहा है। मौला ने कहा पानी का वही जायका है जो जिंदगी का जायका है। और मैंने बहुत ढूंढा कि किसी किताब में मुझे मिल जाए कि दुनिया में किसी ने मौत का जायका बताया, किसी हकीम ने बताया हो, किसी फिलोसफर ने बताया हो। फकत एक मौका ऐसा नजर आया जब अहले बैत के घराने के 13 बरस के जवान ने बताया ये मौत का जायका कैसा। देखिए जिंदगी के बहुत से जायके, लेकिन अगर जिंदगी अहले बैत के दरवाजे पे गुजर जाए तो फिर मौत का जायका कैसा है, ये बताया है हसन के यतीम करबला में, बताया शब आशूर में बताया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा है और ये मेरे जुमले नहीं है, अल्लामा अली नकी मक्कन साहब की तहकीक के जुमले हैं। उन्होंने कहा किसी फिलोसफर ने आज तक मौत का जायका नहीं बताया, किसी आलिम ने नहीं बताया, फकत एक शहजादे ने बताया। और हैरत है पूछने वाला वक्त का इमाम है। आधी रात का वक्त है, तारीख शब है, चिराग गुल किया जा चुका, फिर दोबारा जलाया जा चुका, फहरिश्त शुहदा तैयार हो चुकी। या ऐसे में एक शहजादा आके पूछता है, चाचा ये बताइए मेरा नाम तो शुहदा की फहरिश्त में लिख दिया गया है ना। याद आ रहा मैं क्या करूं, ये मख्तल में ये जुमले उलमा ने लिखे हैं कि जितना शौक शहादत जनाब कासिम को था इतना किसी को नहीं था, कोई नहीं था जो बार बार आके ये सवाल करता हो। कासिम ने इस सवाल की इब्तदा बहुत पहले से कर दी, चाचा मेरा नाम है ना। इमाम हुसैन ने गले से लगाया, प्यार किया, जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ गए। कासिम फिर पीछे चले, चाचा मैं जानना चाहता हूं मेरा नाम है या नहीं। इमाम फिर आगे बढ़े और एक मर्तबा इस तरह से कहा, कासिम तुम्हारे ख्याल में मौत का जायका कैसा है। अल्लाह मतलब कासिम ने वो जवाब दिया जो आज तक कोई ना दे सका, कहा अहल मिनल आसल, चाचा मेरे लिए तो शहद से भी मीठा है। अल्लाह मैं कहूंगा कासिम तुम्हें शौक बहुत है, शहादत तुम्हारे खानदान का विरसा है, तुम शहीद हो जाओगे, लेकिन कासिम अल्लाह जाने तुम्हारी वालदा गिरामी कैसे बर्दाश्त कर। याद आ रहा मेरे लिए जरा मुश्किल होता है ये शहादत पढ़ना, एक तो साल में एक ही दफा पढ़ता हूं, फिर खुदा जाने मुझे
पढ़ना मेरे लिए ज्यादा अंदर से मुश्किल होता है। शहजादे ने जवाब दिया, हुसैन ने फिर जवाब नहीं दिया, और बात को उस जवाब उस सवाल के अंदर गुम करना हुसैन चाहते हैं शायद। यही फिर आगे बढ़ा और फिर सवाल किया, चचा मेरा नाम शहीदों में है या नहीं है? अब हुसैन ने एक जवाब दिया, कहा कासिम शहीदों की फहरिस्त में तो तुम्हारे भाई अली असगर का नाम भी लिखा जा चुका है। अब तक कासिम शहादत के सवाल कर रहे थे, लेकिन जब अली असगर का नाम आया ना तो एक मरतबा बनी हाशिम की गैरत आगे बढ़ी। कासिम ने एक मरतबा गर्दन उठाई, कहा चचा क्या ये मलून खेमे के अंदर आ जाएंगे? क्या ये झूले से अली असगर को ले लेंगे? एक मरतबा मेरे मौला ने कासिम को गले से लगाया, कहा कासिम नहीं, मैं खुद हाथों पे लेके जाऊंगा। मैं खुद लेके जाऊंगा, या कह रहा बिजली कर सकू। सिर्फ ये नहीं कि इमाम से पूछा, जाके वालदा गिरामी से कह रहे हैं, ए वालदा गिरामी देखिए सुबह ऐसा ना हो कि चचा मोहब्बत में मुझे इजाजत न दें, आप ऐसा कीजिएगा फूफी जैनब के पास चली जाइएगा, उनसे कहिएगा उनकी बात मेरे चचा हुसैन नहीं डालते, मुझे शहादत की इजाजत ले दीजिएगा। मां ने गले से लगा के कहा, हां कासिम मैं चाहती हूं तू अकबर से पहले शहीद हो ताकि मैं जहरा के आगे सुरखरू हो जाऊं। एक जुमला मैंने बुजुर्गों से सुना है, किताब का नहीं है, लेकिन आजादारी में बहुत सी चीजें हैं जो हमें बुजुर्गों से मिली हैं। ये सारी रात जनाब कासिम मुख्तलिफ शख्सियात से ये दरखास्त करते रहे हैं कि सुबह मुझे इजाजत जल्दी ले दीजिएगा, आप मेरी सिफारिश कर दीजिएगा, जिस जिसको मुनासिब समझते हैं कासिम जाके उनसे बात करना चाहते हैं। या ऐसे में एक मंजर लिखा जो हमारे बुजुर्ग बयान किया करते थे, या जहरा इमाम हुसैन ने कुछ देर के लिए सबको कहा था कि अपने खैमों में जाके इबादत करो, जनाबे अली अकबर अपने खैमे में आ गए कुरान की तिलावत कर, या तिलावत कुरान करते करते एक मरतबा जो गर्दन उठा के देखा ना तो खैमे के दरवाजे पे कमरे बनी हाशिम खड़े हुए नजर आए। इस आलम में कि कमरे बनी हाशिम की आंखों से सारो कतार आंसू बहे, बहते हुए आंसुओं को देखा, चचा को देखा, कुरान को लहल में बंद किया, एहतराम में उठ के खड़े हुए, चचा अंदर तशरीफ लाइएगा। एक मरतबा अंदर कदम रखा जनाब कमरे बनी हाशिम ने, सवाल सलाम और जवाब के बाद एक मरतबा जनाब अली अकबर से कहा, अकबर मेरा दिल चाहता है यहां ऊपर मसनद पे बैठ जाओ, मैं यहां नीचे बैठना चाहता। कहा चचा आप चचा भी हैं उस्ताद भी हैं, कैसे हो सकता है कि मैं ऊपर बैठूं आप नीचे बैठे? हक यही है कि आप यहां ऊपर बैठी है मैं नीचे बैठता हूं। कमरे बनी हाशिम की आंखों में आंसू है, रोते हुए कहा, अकबर मैं चाहता हूं तू अकबर बन के नहीं आज रसूल बन के ऊपर बैठ, मैं अली बन के नीचे बैठ। याद रखिएगा हुक्म जो है ना वो अदब से बड़ा होता है, हुक्म फौकुल अदब, अदब से बड़ा होता है, अगर हुक्म आ जाए तो मानना पड़ता है। जनाब अली अकबर हुक्म मान के बैठ गए ऊपर, जनाब कमरे बनी हाशिम नीचे बैठे, थोड़ी देर देखते रहे, रोते रहे, और रोते रोते फिर एक मरतबा एक जुमला कहा, कहा अकबर तेरी माँ तो मर जाएगी कैसे बर्दाश्त करेगी वो जो 18 सालों से तुझे जैनब की गोद में परवान चढ़ता हुआ देखते। चाचा फिक्र न कीजिए
मैंने आके कुरान बाद में खोला है, पहले उन दोनों माओ से इजाजत लेके आया, पालने वाली माँ से भी और पैदा करने वाली माँ से इजाजत ले ली है मैंने। जब इजाजत की बात हो गई ना, तो एक मरतबा तमरे बनी हाशिम ने कहा, कहा अब अकबर मेरी एक दरखास्त है जो लेके आया हूं। अकबर सुबह होगी, मक्तल गर्म होगा, अकबर एक ख्वाहिश है, अपने बाबा को मना लेना किसी तरह। मैं चाहता हूं अकबर मैं पहले मक्तल में जाऊं, तुम बाद में जाओ। कहा चाचा ये कैसे हो सकता है, आप अलमदारे लश्कर हैं, आप सालार हैं, मैं सिपाही हूं, मैं पहले जाऊंगा। कहा नहीं अकबर बात ये नहीं है, अकबर तुम शहीद हुए ना, मेरे मौला हुसैन की आंखों का नूर जाता रहेगा और मैं अब्बास ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि मेरी जिंदगी में हुसैन की आंखों का नूर रुखसत हो जाए। जब ये कहा तो जनाब अली अकबर ने हाथों को जोड़ा, कहा चाचा ये ठीक है कि बेटा आंखों का नूर होता है, लेकिन चाचा मैं जानता हूं आप मेरे बाबा की कमर का जोर हैं, चाचा आप शहीद हुए बाबा की कमर टूट जाएगी। बस अदादारों इधर इन दोनों में गुफ्तगू हो रही थी, दरवाजे पे एक मरतबा मेरा मौला कासिम बरामद पहुंचा और एक मरतबा अंदर कदम रखा, सलाम किया और सलाम करके कहा चचा कब्र बनी हाशिम, चचा अब्बास, भाई अली अकबर तुम दोनों बाद में जाना, देखो मैं हसन का यतीम हूं, मेरे मरने से न किसी की आंखों का नूर जाएगा न किसी की कब्र का जोर जाएगा, मैं तो हसन का यतीम हूं, पहले मुझे इजाजत ले देना, मैं मक्तल में चला जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं। आपके जवानों की जवानी है सलामत रखी, अदादारों को मौला सलामत रखे। सुबह आशूर नमूदार में जो बार बार जाके मौला से कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे, चाचा मुझे इजाजत दे दे, आका मुझे इजाजत दे दे, उस शहजादे का नाम कासिम है, बार बार जाते हैं इजाजत मांगते। खत्म हो गई है मजलिस, मैं नहीं पढ़ सकता, नहीं मिलती इजाजत। एक मरतबा रंजीदा होके एक पत्थर पे टेक लगा के बैठे हुए हैं, ये कुछ ख्याल आया, कहा जब बाबा रुखसत हुए थे मैं छोटा सा था, बाबा ने एक तावीज बांधा था और मां से कहा था कि मेरे बेटे को समझाती रहना कि जब कड़ा वक्त आ जाए, बड़ी मुसीबत आ जाए ना, तो ये तावीज खोल लेना, बाप का तावीज तेरे काम आएगा। अपने आप से कहा कासिम इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि शहादत का बाजार हो रहा लगा हुआ है, लोग जा जा के शहीद हो रहे हैं मौला पर और मुझे इजाजत नहीं मिल रही है, इससे बड़ी और मुसीबत क्या होगी। एक मरतबा उस तावीज को खोला, अब जो खोला बाबा की तहरीर नजर में पड़ी, जैसे ही बाबा की तहरीर को देखा ना तो चेहरे पे एक मरतबा खुशी की लहर दौड़ गई, दौड़ते हुए मेरे मौला हुसैन के पास आए, कहा चाचा इस तहरीर को पहचानते हैं, देखे ये बाबा की तहरीर है। बस मेरे मौला हुसैन ने एक मरतबा तहरीर को पढ़ा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस भाई हो गई खत्म, जिस इजाजत मिल गई कासिम को, चल दिए कासिम, इधर कासिम चले, हुसैन ने जनाब तमरे बनी हाशिम से कहा अब्बास तुम जानो तुम्हारा सिपाही जाने। अब्बास ने तैयार किया, कहते हैं कि घोड़े की रकाबें नीचे थी, तस्मे तोड़कर रकाबों को बलंद किया गया ताकि कासिम के पांव रकाबों में आ जाए। हर बच्चा अपनी माँ के लिए बड़ा हसीन होता है और माएं जब अपने बच्चे का हुस्न देखती है तो कहती है ये मेरा चांद है,
ये मेरा चांद है। ये लफ्ज चांद जो है खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर माए अपने बच्चे को चांद कहती हैं, लेकिन मख्तल गवाह है, करबला में एक ऐसा बच्चा भी था, एक ऐसा जवान भी था, जब घोड़े पे चला और एक मर्तबा फौज यजीद ने देखा तो देखते हुए कहा ऐसा लगा जैसे बादल छटे हो और चांद नमूदार हुआ हो। अरे जो फौज यजीद की नजर में चांद था, अल्लाह जाने मेरे मौला कासिम की मां के दिल में क्या रुआर हो गया। मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। हादी को मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन हुसैन ने भेजने से पहले कहा वसीयत दिखाई है मुझे भी, एक वसीयत याद है। एक मर्तबा वसीयत पूरा करने का इरादा किया और एक शादी की गई जो बहरहाल मक्तल की किताबों में दर्ज है और उसके लिए कुछ रिवायात है जिसका इस वक्त जिक्र नहीं कर रहा हूं। बस अजादारों एक मर्तबा ये कासिम गए कासिम लड़े, कैसे पहलवानों को गिराया वो तफसील छोड़ रहा हूं। बस अजादारों एक मर्तबा एक जालिम ने छुप के हमला किया, छुप के कासिम पे हमला किया, कासिम से घोड़े पे संभलाना गया, एक मर्तबा घोड़े से गिरने लगे। रावी कहता है कि जब तक कासिम घोड़े पे थे, कासिम थे जब घोड़े से नीचे आए तकसीम हो चुके थे। एक मर्तबा इधर के घोड़े उधर दौड़ गए, मेरे मौला हुसैन पहुंचे। अब जब पहुंचे तो कासिम की लाश टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी। हुसैन घोड़े से उतरे, एक मर्तबा आबा कदाम दराज किया, एक गठड़ी की तरह कासिम को उठाया और कासिम को लेके चले, इधर कासिम का लाशा लेके चले। अरे फौज आदा ने ढोल और नाके बजाने शुरू किए। एक मर्तबा यहां से जब ये ढोल और नाशे बजे, एक आवाज पैदा हुई। एक मर्तबा बीबियों ने कहा ए उम्मे फरवा, लगता है तुम्हारा कासिम शहीद हो गया। अरे ये बाजे बजाए जा रहे हैं। एक मर्तबा उम्मे फरवा ने कहा अरे कैसा लाशा, मेरे लाल की बारात आ रही है। बाजे वालों की सदा देर तनाता